अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, जो आज हम अजंता केव्स जो फरदा फूड के जो एजुकेशन के एरिया में आता है, तो हम सर से बात करें। सर नाम आपका? मेरा नाम नीलराज मेरा सर बात करें। तो सर ने आज का जो जो अजंता जो केव्स में जो जो टूरिस्ट आई थी, कितनी हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आई थी? लगभग 5,000 से 5,500 से। तो सर क्या बोलना चाहिए आज, किस तरीके से आपके सभी लोग, मैंने वीडियो बनाया था, सभी लोग हर जगह मौजूद थे जो यहाँ अजंता केव्स में, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? पिछले दिनों 2 दिन कंटिन्यू छुट्टी थी शासन द्वारा, केंद्र शासन और भारत शासन द्वारा स्वतंत्रता अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पुरातत्व विभाग से पेपर में जानकारी दी गई थी गेमी में जो प्रवेश है वो विदाउट पे रहेंगे, इसलिए आज लोगों की बहुत तादाद थी, बहुत लोगों ने गेमी का सराहना किया आज, और महामंडल की बसेस ने भी आज अच्छा बंदोबस्त रखा। बहुत 14 बसेस उन्होंने यहाँ पर लगाई थी और वाहक भी इतने ही लगाए थे। पोल्यूशन फर्दर क्योंकि इसके हमने भी लगभग 10 जवान बंदोबस्त के लिए लगाए थे। अच्छा माहौल है, बारिश मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं लोगों को कामना करूँगा जभी हम आपकी सेवा करते हैं। अब एक जो फरदा फूड पुलिस स्टेशन के APS साहब से हमने बात की है, वो भी आप जो फरदा फूड के पुलिस स्टेशन के PSI साहब हैं उनसे कासिल साहब से बात करिए। कासिल साहब क्या बोलना चाहिए आज के जो जो हज़ारों की तादाद में यहाँ अजंता गुफाएं देखने नाटक जो यहाँ देखने के लिए आए, उसके बारे में क्या बोले, और सही तरीके से आपने जो हैंडल करे हैं? हमारे जो API वाघमोड़े साहब हैं उनके मार्गदर्शन के ऊपर हमने आज का बंदोबस्त किया यहाँ पे। तो मैंने पिछले एक साल में इतनी गर्दी नहीं देखी थी, इतनी भीड़ नहीं देखी थी मैंने यहाँ पे, और काफ़ी लोगों ने सहायता की है, आप लोगों ने भी इसमें बहुत सी सहायता की है, बाकी महामंडल के लोगों ने बसेस की सुविधा की है, बहुत अच्छा आज का दिन गया है। देखिए हमने API साहब से बात की है और जो PSI साहब से बात की है, तो वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, पूरी मुकम्मल जानकारी अजंता न्यूज़ पे हम देने वाले। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कमेंट में कैसा लगा ये बिल्कुल बताना चाहिए, और एक समाज सेवा चैनल है हमारा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना चाहिए। जो इतनी मेहनत से आप ही के लिए हम वीडियो बनाते हैं, आपने देखे 2 वीडियो हमने अपलोड करे, वो भी अजंता केव्स के कितनी टूरिस्ट आई से घूमने के लिए, और कुछ वजह से हमने जो 15 अगस्त के दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, बहुत से वीडियो अपलोड करना था हमको, तो इसकी वजह से हमने अपलोड नहीं कर पाए, तो अब अपलोड करने वाले ये देखना चाहिए आपने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बार बार भाई, इस तरीके के जहाँ भी अजंता केव्स में या कहीं भी आप हिंदुस्तान में कहीं भी घूमने के लिए जा रहे, तो पानी से दूर रहना चाहिए। तैरना नहीं आया तो पानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की हरकत अपनों को अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहुत से हादसे हो रहे हैं, आपने व्हाट्सअप पे देखे और सोशल मीडिया पे देखे, बहुत से हादसे हो रहे, आप घूमने के लिए जाते हैं और कुछ हादसा हो जाता है, तो ये हरकत नहीं करना चाहिए आपने। कहीं भी आप जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, अजंता केव्स बहुत बढ़िया जो खूबसूरत नज़ारा रहता है बारिश के मौसम में, और पानी जो बता नहीं सकते बारिश कहाँ हो सकती है, और सारा पहाड़ का पानी मिलके एक साथ आता है, और एक साथ पानी आने के बाद में जो आपको नुकसान भी उठा सकते हैं, जैसा जिस तरीके से सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये टूरिस्ट से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट है कभी आपने ध्यान कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमने देखे 7 वाटरफॉल में बहुत से हादसे भी हो गए, जो 7 वाटरफॉल है और बहुत स्पीड से पानी आता है यहाँ अजंता केव्स में, जो पहाड़ों का पूरा पहाड़ों का एक साथ पानी आता है, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कहीं भी आप जा रहे हैं तो इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जान का नुकसान है, और एक समाज सेवा चैनल है आप ही के लिए हम वीडियो बनाते हैं, और बहुत से वीडियो हमने अजंता केव्स के बनाए हुए और 2 वीडियो अपलोड भी करे, वो जाके आप देख सकते हैं कितनी टूरिस्ट आई थी 15 अगस्त के और 14 अगस्त के दिन, तो कितनी टूरिस्ट आई थी ये देखना चाहिए आपने। तो एक आपको जितनी भी वीडियो हमने बनाए हुए एक एक करके अजंता न्यूज़ पर अपलोड करिए, सामने जो ब्रिज दिख रहा है तो यहाँ तक जो टूरिस्ट थी देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तो बार बार हमारा ये जो पानी अगर बारिश हुई जो ऊपर पहाड़ के एरिया जो बहुत बड़े रहते पहाड़ के रहे, कहीं भी बारिश हो जाती है, बेअंदाज बारिश हो जाती है और बेअंदाज पानी आता है, तो इसमें ध्यान देना चाहिए आपको। और इसके बाद का वीडियो हम बहुत ख़ास वीडियो है, जो 700 पारी चढ़ के हम जाने वाले अजंता गुफा देखने के लिए, ये सामने जो दरख्त दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन दरख्त है, तो इसमें आपको देखना चाहिए, इसके बाद के वीडियो में बहुत ख़ास मज़ा आने वाला है, और बहुत से वीडियो हमने बनाए हुए वो एक एक करके आपके लिए अपलोड करेंगे अजंता न्यूज़ पर। तो मेरा आपके लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज रहता है आपके लिए हम बनाते हैं, तो आप
आपका भी सोचना चाहिए, जिस तरीके से आप अजंता केव्स या कहीं भी घूमने आते हैं और घूमने के बाद में अपन छोटी सी लापरवाही करते और लापरवाही के कारण अपनों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि झांसी भी हाथ धोना पड़ता है या पैर फ्रैक्चर हो जाता, हाथ टूट जाता या सिर फूट जाता या कहीं भी मार लग सकता है आपको, जो सहवाल बारिश के टाइम में जो चिकना पानी सहवाल रहता है और सहवाल की परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप ही के लिए हमने वीडियो बनाया, ये यहाँ से जो हम बताने वाले हैं बहुत खास वीडियो है आपके लिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट में कैसा लगा ये बिल्कुल बताना चाहिए। और जितने भी वीडियो हम बनाते हैं आप ही के लिए बनाते हैं, और यहाँ से हम जाने वाले जो 700 पहाड़ी चढ़ के जाने वाले, तो ये बहुत खास है, आपको देखना चाहिए।